दोस्तों जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे। लूसेंट की बुक से नई वाली अपडेटेड बुक है दोस्तों ये। इसमें हम भारत की सामान्य जानकारी यानी भारत का भूगोल को डिस्कस कर रहे थे ये लेक्चर नंबर 2 है दोस्तों। इसके पहले एक लेक्चर मैंने डाला था जो कहां तक था, यहां तक था। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसी लेक्चर में और प्लेलिस्ट में जाके आप सारे लेक्चर देख सकते हैं। आइए शुरू करेंगे दोस्तों। बात करते हैं भारत में 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा की लंबाई। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, भारत के साथ 7 पड़ोसी देश है जो अपनी सीमा साझा करते हैं, है ना। यानी भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले देश कौन से हैं तो अपन को देखेंगे। तो इसकी सबसे पहले एक ट्रिक याद रख लो। ट्रिक है कि मेरा बचपन से, यानी BCPN, बचपन से कुछ नहीं, बचपन से MBA का सपना था, है ना। तो इसको याद रखना है और इसको याद रखना है। तो ऐसा याद रख सकते हैं कि मेरा बचपन से MBA का सपना था। बी से हो गया क्या दोस्तों, बांग्लादेश। बी से क्या हो गया, बांग्लादेश। सी से हो गया चाइना। पी से पाकिस्तान। एन से नेपाल। एम से हो गया क्या, एम से हो गया म्यांमार। बी से हो गया भूटान और ए से हो गया अफगानिस्तान। तो ये क्रम भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। ये क्रम लिखा हुआ है कि सर्वाधिक सीमा किसके साथ छूती है, किस देश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ। सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश को स्पर्श करती है भारत की, और 4096 किलोमीटर स्पर्श करती है बांग्लादेश को। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान को स्पर्श करती है, अफगानिस्तान को मात्र 106 किलोमीटर सीमा स्पर्श करती है। तो एक हमको क्रम भी पता चल गया। कभी क्रम भी पूछा जा सकता है कि मेरा बचपन से, बचपन की स्पेलिंग यहाँ पर जो लिखी हुई है वो याद रखना दोस्तों। आप दूसरी स्पेलिंग BCPN, बी से हो गया बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से हो गया क्या म्यांमार, बी से हो गया बांग्लादेश और ए से हो गया अफगानिस्तान। यानी सर्वाधिक सीमा अफगानिस्तान को छूती है 4096 किलोमीटर, और सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश को छूती है 4096 किलोमीटर, और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान को छूती है मात्र 106 किलोमीटर। तो ये याद रख सकते हैं और ये क्रम भी याद रख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान। देखो अब यहाँ पे तो ये यही तो लिखा हुआ है। देखो ये BCPN MBA। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अपन बांग्लादेश की। बांग्लादेश को भारत की लंबाई कितनी है, भारत की कितनी सीमा साझा करता है वो, तो सबसे ज़्यादा स्थानीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है 4096 किलोमीटर। इसकी सीमा से लगे हुए भारतीय राज्य कौन से हैं, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल छूता है, त्रिपुरा, है ना, मेघालय, मिजोरम और आसाम। तो ये मैं आपको अभी मैप भी दिखाऊंगा दोस्तों, इसको एक बार याद रखें बस, इसको फिर आपको मैं मैप भी दिखाता हूँ। चीन के साथ कौन से तो लद्दाख दोस्तों, मैप देखना, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमालय और सिक्किम, ये याद रखना है दोस्तों, अभी मैप दिखाऊंगा मैं आपको। पाकिस्तान के साथ राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब, ये स्पर्श करता है। नेपाल की बात करेंगे, नेपाल के साथ कौन से तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा म्यांमार की बात करेंगे, म्यांमार की, तो इसके साथ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, तो इसको याद रखना है। भूटान के साथ कौन से तो भूटान के साथ असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और अफगानिस्तान के साथ जो सबसे कम सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर मात्र, लद्दाख जब अलग हुआ है तो लद्दाख ही उसको स्पर्श करता है, ना कि जम्मू कश्मीर, है ना। और मात्र ये पाक अधिकृत कश्मीर से ही स्पर्श करता था 106 किलोमीटर, है ना, इतना याद रखना है। तो देखो इसको अब मैं बताता हूँ आपको मैप के थ्रू देख लो, जिसमें याद रखने में आसानी जाए। देखो बांग्लादेश के साथ सीमा को साझा करने वाले राज्य, भारतीय राज्य, तो दोस्तों देखो ये पश्चिम में पूरा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से स्पर्श करता है, और सर्वाधिक, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल छूता है उसको, बांग्लादेश को, अपने भारतीय राज्य में सर्वाधिक पश्चिम बंगाल उसको, बांग्लादेश को छूता है। उसके बाद बात करेंगे AMTM, तो AMTM यानी असम छूता है, देखो असम, उसके बाद मेघालय, और ये त्रिपुरा, और ये मिजोरम, है ना। तो ये चल, और ये त्रिपुरा जो है ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ से अपने क्या क्या याद रखना है, देखो मैप को एक बार अच्छे से दिमाग बैठा लो, है ना। ये इधर पश्चिम में पूरा पश्चिम बंगाल छूता है, और इधर साइड उत्तर की बात करेंगे तो असम मेघालय उत्तर में, और त्रिपुरा मिजोरम पूर्व में, ये है दोस्तों। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता, ऑप्शन में झारखंड दे सकता है, ऑप्शन में इधर का दे सकता है दोस्तों, मणिपुर दे सकता है, नागालैंड दे सकता है, अरुणाचल प्रदेश दे सकता है। तो ये सब याद रखना है ना, ये सब याद रखना है।
बिहार दे सकता है ऑप्शन में, है ना। तो ये याद रखना है। देखो पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल को कितने 5 राज्य छूते हैं, कौन से, इधर साइड हो गया पश्चिम में पश्चिम बंगाल, वो उत्तर में असम मेघालय, ये त्रिपुरा और मिजोरम, और त्रिपुरा जो है ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये समझ में आ गया, इसको याद रखना है। अब दूसरा मैप दिखाता हूँ मैं, अब दूसरा मैप देखो, ये दूसरा मैप देखो। अब बात क्या कर रहे थे अपन, उसके बाद बात कर रहे थे किसका, अब देखो दोस्तों चीन के साथ सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य। तो यहाँ पे देखो, ये देखो लद्दाख स्पर्श कर रहा है इधर से, लद्दाख हिमाचल प्रदेश टच कर रहा है, छू रहा है, और ये उत्तराखंड याद रखना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार स्पर्श नहीं करते क्योंकि बीच में नेपाल आ जाता है, उत्तर प्रदेश और बिहार स्पर्श नहीं करते, बीच में नेपाल आ जाता है, सिक्किम करता है देखो यहाँ पे सिक्किम, और याद रखना पश्चिम बंगाल भी स्पर्श नहीं करता, पश्चिम बंगाल भी स्पर्श नहीं करता, इधर साइड भूटान आ जाता है, इधर नेपाल और बीच में सिक्किम आ जाता है, इसलिए पश्चिम बंगाल भी स्पर्श नहीं करता, और इधर साइड से अरुणाचल प्रदेश स्पर्श करता है ना बस, और असम मेघालय ये भी स्पर्श नहीं करते, ये भी स्पर्श नहीं करते। तो यहां पे आपको याद, यहां से ये क्या समझ में आ रहा है कि चीन की सीमा को छूने वाले राज्य कौन से, तो ये देखो लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी 1 2 3 4 5 राज्य ऐसे हैं भारत के जो चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं, चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। इधर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इनमें से, चीन की सीमा को इनमें से कौन सा भारत का राज्य स्पर्श नहीं करता, ऑप्शन में ये दे सकता है उत्तर प्रदेश बिहार इधर के दे सकता है, इसलिए अपने को ये याद रखना है दोस्तों। अब अगला देखें, एक चीज ने बताया चीन की सीमा को सर्वाधिक कौन सा राज्य छूता है भारत को, सर्वाधिक चीन की सीमा को भारत का सर्वाधिक कौन सा राज्य छूता है, तो वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, वो कौन सा है अरुणाचल प्रदेश याद रखना है। अब देखिए दोस्तों नेपाल के साथ स्पर्श करने वाले राज्य, तो नेपाल को कौन से स्पर्श कर रहे हैं, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं नेपाल को 1 2 3 4 5 राज्य भारत के स्पर्श करते, जिसमें सर्वाधिक करता है उत्तर प्रदेश, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मैप में सर्वाधिक करता है उत्तर प्रदेश। तो देखो इधर साइड है पश्चिम में देखो उत्तराखंड है ना, दक्षिण में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और बिहार, नेपाल के दक्षिण में उत्तर प्रदेश और बिहार दोस्तों है ना, तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश करता है बिहार, और यहाँ देखो पश्चिम बंगाल भी यहाँ स्पर्श कर रहा है, पश्चिम बंगाल भी यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, और यहाँ पे सिक्किम भी स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन याद रखता है असम मेघालय स्पर्श नहीं करते, इधर के कोई सेवन सिस्टर जो बोलते हैं वो स्पर्श नहीं करते क्योंकि बीच में पश्चिम बंगाल आ जाता है, ये याद रखना है, इधर का याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सा स्पर्श नहीं करता, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश करता है। तो ये समझ में आ गया, देखो उत्तराखंड इधर से हो गया, उत्तर प्रदेश दक्षिण से है ना, फिर इधर दक्षिण में बिहार भी हो गया, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ बिहार, ये अलग हो गया, ये पश्चिम बंगाल यहां से यहां तक आ गया, और यहां पे सिक्किम, इतने 5 राज्य है ना नेपाल को स्पर्श करने वाले 5 राज्य सर्वाधिक उत्तर प्रदेश कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं, देखो दोस्तों म्यांमार के साथ स्पर्श कौन कौन करते हैं, देखो अरुणाचल प्रदेश करता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद ये नागालैंड, फिर मणिपुर और मिजोरम, दोस्तों 4 ही राज्य हैं जो म्यांमार के साथ, भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, सीमा टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो म्यांमार की सीमा को भारतीय कौन से राज्य हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, फिर क्या है नागालैंड, फिर मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। दूसरा मैं पेपर दिखा देता हूँ आपको मैं, ये देखो ये देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश यहाँ से, नागालैंड यहाँ से, मणिपुर और ये मिजोरम, उसके बाद इधर साइड तो ये समुद्र आ गया दोस्तों, है कि नहीं, इधर साइड बांग्लादेश आ गया और समुद्र आ गया, तो ये खत्म, और ये इधर साइड के ये नहीं छूते, कभी क्वेश्चन आ सकता है कौन सा नहीं छूते, इसलिए याद रखना है असम मेघालय नहीं छूते, असम मेघालय त्रिपुरा नहीं छूता, ये जो 3 राज्य हैं यहाँ के असम मेघालय त्रिपुरा, ये म्यांमार को नहीं छूते, तो ये समझ में आएंगे म्यांमार है ना, यहाँ पे लिखा हुआ देखो ये, तो ये याद रख सकते हैं। म्यांमार को सर्वाधिक छूता है अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, म्यांमार जो जिला है सॉरी देश है, इसको सर्वाधिक छूता है कौन सा अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए इसके बाद भूटान को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, तो भूटान को पूरब में अरुणाचल प्रदेश स्पर्श करता है, पश्चिम में सिक्किम देख सकते हैं, और दक्षिण में असम, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल यहाँ तक आ गया दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल। तो भारत के 4 राज्य भूटान को स्पर्श करते हैं, तो याद रखना है इधर साइड सिक्किम है, इधर पूरब में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में सिक्किम, और दक्षिण में क्या है दोनों, दक्षिण में इधर असम हो गया और इधर साइड अरुणाचल प्रदेश। और सर्वाधिक कौन करता है, तो सर्वाधिक भारतीय राज्य जो है असम याद रखना है, असम है ना, भूटान को सर्वाधिक असम छूता है 267 किलोमीटर, इतना याद रखें। तो ये समझ में आ गया, ऊपर में चाइना है देख सकते हैं आप, तो 4 क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सा राज्य नहीं छूता, इसलिए मेघालय नहीं स्पर्श करता, इसको याद रखना है मेघालय को, और इधर के राज्य स्पर्श करने याद रखना है। तो भूटान को 4 छूते हैं, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में सिक्किम, और दक्षिण में भूटान के दक्षिण में असम हो गया, और इधर साइड पश्चिम बंगाल यहाँ तक आए है ना, इतना याद रखें। उसके बाद बात करते हैं अपन लद्दाख की दोस्तों,
देखो अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान के साथ भारत का एक ही राज्य स्पर्श करता है दोस्तों। देखो यहाँ पे आप बॉर्डर देख सकते हैं, ये यहाँ पे देखो ये अफगानिस्तान है, ये यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान है, यहाँ से यहाँ तक क्या है ये पाकिस्तान, यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान, देखो ये अफगानिस्तान, ये यहाँ पे इतना सिर्फ है ना, जो पाक अधिकृत कश्मीर में था। और ये लद्दाख आप नया मैप देख सकते हैं, लद्दाख का मैप है, जम्मू कश्मीर का मैप है, और यहाँ से इधर तो ये पाकिस्तान है, लेकिन ये यहाँ पे देखो यहाँ पे इतना थोड़ी सी जगह जो है, देखो आप एक बार इसको देख लो, देखो ये दिख रहा है अफगानिस्तान, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये अफगानिस्तान ये दिख रहा है, तो ये अफगानिस्तान यहाँ पे इसको लद्दाख को स्पर्श कर रहा है। तो अफगानिस्तान सिर्फ एक ही राज्य के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है, वो उसका नाम क्या है, लद्दाख। लद्दाख के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे लद्दाख, ये अफगानिस्तान का जो मैप दिख रहा है, ये इधर से बस ये मात्र 106 किलोमीटर। देखो दोस्तों पाकिस्तान के साथ भारत के जो राज्य है वो पांच राज्य स्पर्श करते हैं, पांच राज्य। तो आप देख सकते हैं ये लद्दाख भी स्पर्श करता है, जम्मू कश्मीर भी स्पर्श करता है, पंजाब स्पर्श करता है, राजस्थान स्पर्श करता है, और राजस्थान सर्वाधिक स्पर्श करता है पाकिस्तान को, और ये गुजरात स्पर्श करता है दोस्तों। देख सकते हैं पाँच राज्य है, पाँच राज्य है ना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये पाँच राज्य स्पर्श करते हैं। सर्वाधिक पाकिस्तान को स्पर्श करता है कौन, राजस्थान। ये समझ में आया, तो ये मैंने आपको बताया भारत के सात पड़ोसी देशों के साथ सीमा की लंबाई और कौन से भारतीय राज्य हैं जो उनको स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने बताया आपको मैप के थ्रू भारत के सात पड़ोसी देशों के साथ सीमा की लंबाई, बांग्लादेश की मैंने बता दिया, चीन की बताया मैप के थ्रू, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, और मैंने जो समझाया मैप के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत जो याद हो गया उसको याद रख सकते हैं। आगे फैक्ट डिस्कस करते हैं, एक नोट लिख रखा है, भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देशों के साथ, पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं दोस्तों, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं कि कुल 16 भारतीय राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं दूसरे। तो भारत के कितने, भारत के 16 राज्य हैं, 16 राज्य पड़ोसी देशों के साथ जुड़े हुए हैं। तो 16 याद रखने का भी आ सकता है ना, 16 याद रखना है, यह आ सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट है, भारत की जली सीमा समुद्री सीमा के संबंध में सात देश ऐसे हैं दोस्तों, सात देश ऐसे जिनकी सीमा स्थल से भी जुड़ी हुई है ना, और समुद्र से भी जुड़ी हुई है। जैसे कि पाकिस्तान की सीमा मैप दिखाऊंगा मैं आपको, मालदीव देखना आप, मालदीव है ना, जो ये पड़ोसी देश हैं अपने, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, तो ये देख सकते हैं आप, मैं इनको बताता हूं। तो क्या बोल रहा है ये, भारत की जली सीमा और समुद्री सीमा से संबंधित सात देश ऐसे हैं। देखो मैप देख लो, तो देखो दोस्तों मैप के थ्रू मैंने क्या बोला था, भारत की जली सीमा और समुद्री सीमा, तो जल की भी अपनी सीमा होती है, जल से लगे हुए, और समुद्र की भी, हर समुद्र की सीमा बनाई गई है ना। तो कौन से देश है, तो मैंने बताया देखिए पाकिस्तानी देख सकते हैं आप, समुद्र इसकी जल इसकी कुछ समुद्री सीमा है और जल की सीमा के साथ भी जुड़ा हुआ है अपने। उसके अलावा मालदीव है, तो मालदीव इधर देख सकते हैं आप, श्रीलंका मैंने बताया इसकी भी है अपनी, उसके बाद बांग्लादेश, ये बांग्लादेश मैंने बताया, उसके अलावा फिर म्यांमार, तो देखो म्यांमार भी समुद्र की सीमा से भी है और उसकी समुद्री सीमा भी है। यहाँ थाईलैंड दोस्तों यहाँ पे है, देखो थाईलैंड देश, और इंडोनेशिया यहाँ नीचे है, इंडोनेशिया यहाँ नीचे। तो भारत का समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है दोस्तों, श्रीलंका। श्रीलंका के बाद दूसरा समुद्री पड़ोसी देश वो है इंडोनेशिया, ही है दोस्तों, याद रखना है, समझ में आ गया। भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश जो है वो इंडोनेशिया है दोस्तों, मालदीव नहीं है, याद रखना है, इंडोनेशिया है। पहला समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका, उसके बाद दूसरा समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। तो ये फैक्ट समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, पड़ोसी देशों से लगे सबसे लंबे राज्य कौन से दोस्तों। तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा राज्य है जो अपना यहाँ का भारत का क्या है वो, पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक छूटा है, स्पर्श करता है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश मैंने बता दिया था मैप के टाइम पे। भूटान के साथ असम, पाकिस्तान के साथ राजस्थान, और चीन के साथ कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तो इसको एक बार देख सकते हैं बस। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, भारत की जल एवं स्थलीय सीमा से लगने वाले देश कौन से, जल के साथ भी और स्थलीय सीमा के साथ भी लगे हैं वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश का मैप देखना आप, जल के साथ भी लगा हुआ है और स्थलीय सीमा के साथ भी अपने भारत के साथ जुड़ा हुआ है ना। और ये म्यांमार ऐसा देश है जो स्थलीय सीमा और जली सीमा दोनों से जुड़ा हुआ है, और पाकिस्तान भी ऐसा है जो स्थलीय सीमा और जली सीमा दोनों से जुड़ा हुआ है। तो तीन देश ऐसे हैं जो जल सीमा और स्थल सीमा दोनों से लगे हुए देश है, तीन देश, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो दोस्तों भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। उसका नाम क्या है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट नाम रखा गया था उसका, तो उसके बारे में देखते हैं। इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निकोबार जिले में स्थित एक गांव है दोस्तों, जिसका नाम रख दिए वहां, पॉइंट का नाम बना दिए
इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को पिग पिगमेलियन लिखा है क्या? हाँ ये तो लिखा है। इसे पहले इसका नाम पिग मिलियन पॉइंट था दोस्तों। इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट या पर्सन्स पॉइंट कहा जाता है। इसके दो नाम है, एक तो पिगमेलियन पॉइंट या पर्सन्स पॉइंट कहा जाता है, बस इतना याद रखना है। तो क्वेश्चन आ सकता है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो ये वृहद निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वृहद निकोबार यानी बड़ा निकोबार, निकोबार में भी द्वीप है ना, कई सारे द्वीप है। सबसे दक्षिण में जो द्वीप जो बड़ा बड़ा निकोबार बोलते हैं, वृहद निकोबार या बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका नाम पहले पिगमेलियन पॉइंट या पर्सन्स पॉइंट था, है ना। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है दोस्तों, या भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर यानी उत्तर में है, उत्तरी अक्षांश में, है ना। भारत भारत के सबसे उत्तरी बिंदु है दोस्तों इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। ये भारत का क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सबसे पश्चिमी बिंदु है सरकी क्रिक गुजरात में स्थित है दोस्तों। सबसे पश्चिमी बिंदु है सर क्रिक गुजरात में स्थित है। तो इसके बारे में मैं अभी आपको मैप बताऊंगा। और सबसे पूर्वी बिंदु है किबूतू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, किबूतू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको देता हूं और मैप भी दिखा देता हूं। ये देखो, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु अभी बताया था ना मैंने, ये देख सकते हैं आप, देखो यहां पे, ये देखो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में स्थित है, ये यहां पे है ना, यहाँ पे सबसे ग्रेट निकोबार में। दूसरा मैप देख लो, एक मैप ये हो गया, दूसरा मैप देखो, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है, ये देखो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है, ये इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगर क्वेश्चन आता है सबसे दक्षिणतम भाग कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणतम भाग कौन सा है, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में दोस्तों, जिसको साउथर्न मोस्ट मेनलैंड में है, ये यहाँ पे देखो यहाँ पे है ना ये। तो कभी पूछेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये यहाँ पे कन्याकुमारी आएगा। अगर यहाँला पूछता है तो ये आएगा इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप में। पूर्वी बिंदु देखो यहाँ पे लिखा है ईस्टर्न वाला, किबूतू अरुणाचल प्रदेश में, किबूतू की बी टू अरुणाचल। सबसे उत्तरी देखो ये नॉर्थन वाला यहाँ पे है, देखो सियाचिन, सियाचिन में लद्दाख में, सियाचिन लद्दाख में सबसे उत्तरी। और सबसे पश्चिमी क्या है, ये है गुहर मोती गुजरात में है, है ना, सरक्रिक गुहर मोती गुजरात में है। एक और मैप देख लो, इसके अलावा ये वाला देखो। तो दोस्तों ये देखो, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या नाम है, किबूतू, ये अरुणाचल प्रदेश में है, है ना। सबसे दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट निकोबार आइसलैंड में है, मैंने बता दिया था बड़ा बृहद निकोबार में। ये इंदिरा कॉल, ये सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख वहाँ पे है ना। और सबसे पश्चिमी यहाँ पे है कच्छ जिला आता है गुजरात का, जहाँ सरक्रिक रेखा जहाँ पे है वहाँ पे सरक्रिक है, और ये गोहर मोती, गोहर मोती इन कच्छ वहाँ पे है। तो ये समझ में आ गया, वापस चलते हैं। तो ये फैक्ट समझ में आ गया होगा आपको, ये मैप के हिसाब से ही मैंने आपको दिखा दिया और समझ में भी आ गया होगा ये फैक्ट। इसको याद रखना है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में, सबसे उत्तरी लद्दाख में, सबसे दक्षिणी निकोबार में है। तो ये इसको याद रखना है वाले फैक्ट को। अगला फैक्ट देखिए, कोलवा, कोलवा या कोलबा पॉइंट मुंबई में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है कोलबा पॉइंट कहाँ है मुंबई में, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, कोलबा मुंबई राज्य में स्थित शहर के दक्षिणी बिंदु पर स्थित है, जो मुंबई शहर है उसके दक्षिणी बिंदु पर स्थित है। और ये यहीं पे विश्व प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया और ताजमहल पैलेस होटल यहीं स्थित है दोस्तों। ये मुंबई का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, समुद्र से लगा हुआ वो पॉइंट बना दिया गया, उसको नाम दिया गया कोलबा पॉइंट। वहीं पे दोस्तों क्या स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया, समुद्र में आप देखे होंगे कई बार मूवी में इसमें उसमें, तो गेटवे ऑफ इंडिया और ताजमहल पैलेस होटल कोलबा में ही स्थित है दोस्तों। कोलबा पॉइंट समुद्री पॉइंट मुंबई शहर का, मुंबई द्वीप का सबसे समुद्री पॉइंट है, लास्ट में दक्षिण में वहां पे है। तो समझ में आ गया, कभी आ सकता है कोलबा पॉइंट का है मुंबई में। उसके बाद क्या है, पॉइंट कालीमेरो, पॉइंट कालीमेरो दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है, पॉइंट कालीमेरो नाम है इसका, पॉइंट कालीमेरो। तो इसको कोडिया कराई भी कहते हैं, कोडिया कराई को पॉइंट केलीमेरो या भी कहा जाता है। इसका नाम मैंने बता दिया पॉइंट केलीमेरो, तमिलनाडु में भी, तमिलनाडु में स्थित है, वहां कहा जाता है। तमिलनाडु के एक जिले का नाम है क्या है, तो नागपट्टिनम जिले में कोरोमंडल तट का एक निचला भाग है, एक निचला भाग है, बस इतना याद रख सकते हैं यहाँ पे आप। तो यही क्वेश्चन अपने को पूछेगा, मैप दिखा देता हूं आपको मैं इसका,
अभी आगे दिखाता हूँ, पहले ये सुनिए। तो पॉइंट कालीमेरो तमिलनाडु में है एवं पॉइंट पेट्रो पेट्रो पे ड्रो पेड्रो है दोस्तों पेड्रो, ये जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है। जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है दोस्तों। आपको बता दूं श्रीलंका के जाफना जिले में द्वीप के सबसे उत्तरी बिंदु पर स्थित यह शहर है जिसका नाम रख दिया गया क्या, पॉइंट पेड्रो। पॉइंट पेड्रो तो कहाँ है, क्या बताया मैंने, उत्तर के उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी श्रीलंका के जाफना जिला, जिले का नाम जाफना है, जाफना जिले के द्वीप के सबसे उत्तरी बिंदु पर, सबसे उत्तरी बिंदु पर स्थित एक पॉइंट पेड्रो नामक एक जगह का नाम है। वहाँ लोग घूमने फिरने छुट्टियाँ बिताने और जाते हैं, देखने जाते हैं, बस इतना है। तो अपने को ये वाला याद रखना है, पॉइंट कालीमेरो, पॉइंट कालीमेरो इंपॉर्टेंट है। इसका मैप अभी मैंने दिखा रहा हूँ आपको, देख सकते हैं आप, वहाँ पे मिल जाएगा, है ना। तो इसको कोडिया कराई को पॉइंट केलीमेरो के नाम से, केलीमेरे के नाम से भी जाना जाता है। ये तमिलनाडु कोरमंडल तट, तमिलनाडु वहाँ पे बिल्कुल द्वीप पे स्थित है। ये तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, कोलबा पॉइंट पूछेगा, पॉइंट कालीमेरो पूछेगा तमिलनाडु, और पॉइंट पेड्रो जाफना। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का डिस्कस करेंगे, लेक्चर हो गया थोड़ा सा लंबा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिविजन करा करें आपको समझ में आ जाए तो, बस धन्यवाद।